दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक मेल आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस मेल में लिखा हुआ है कि आपका यूएस टैक्स फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट होने की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका नाम मिसमैच हो या अदरवाइज कुछ भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दोबारा से यूएस टैक्स फॉर्म कैसे फिल करेंगे और कहाँ पर जाकर आपको दोबारा से यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले था वो अलग मेथड था और जो अब की बार दोबारा आपको फिल करना पड़ेगा वो दूसरे मेथड से आपको फिल करना पड़ेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है त्यागी जी टेक चैनल। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों चाहे आपके पास मोबाइल हो या कंप्यूटर, दोनों में यही मेथड है, यही तरीका है दोबारा से यूएस टैक्स फॉर्म को फिल करने का। तो चलिए चलते हैं मोबाइल कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं यूएस टैक्स फॉर्म आप दोबारा से फिल कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। एडसेंस अकाउंट ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का, तो पेमेंट को आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों पेमेंट को क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख करके आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जैसे आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मैनेज सेटिंग का, मैनेज सेटिंग को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैनेज सेटिंग को क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपको नीचे को स्क्रॉल करना है, और जैसे आप इस पेज को नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, इसको यूएस टैक्स भी बोलते हैं। तो यूएस टैक्स इन्फो के सामने जो पेंसिल का निशान बना हुआ है आपको इसको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा मैनेज टैक्स इन्फो का, तो मैनेज टैक्स इन्फो को आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैनेज टैक्स इन्फो को क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको आपका ओल्ड जो आपका यूएस टैक्स फॉर्म है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में, सबमिट न्यू फॉर्म, ये वाला सबमिट न्यू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता रही इफ़ यू स्टार्टेड ए न्यू फॉर्म योर प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी रिमूव, यानी अगर आप एक नया फॉर्म भरेंगे तो आपका जो पुराना फॉर्म है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो यह समय न्यू फॉर्म भरना है तो स्टार्ट न्यू फॉर्म पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जो चैनल के आपका पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल क्लिक करना है, और इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है आर यू ए सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आप अमेरिका में रहते हैं? तो मैं यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि हम अमेरिका में नहीं रहते। नो करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन से वाला फॉर्म फिल करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म है W8BEN, ये होता है इंडिविजुअल के लिए और नॉन यूएस इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पर आपको पहले वाले फॉर्म को क्लिक करना है और स्टार्ट W8BEN फॉर्म को आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, सबसे ऊपर आपका नाम दिखाया जाएगा जो आपका नाम है एडसेंस अकाउंट में, तो यहाँ पर आपका नाम दिखाया जा रहा है सबसे पहले वाले कॉलम में। इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना सेकंड वाले कॉलम में, DBA ये आपको ऑप्शनल दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना इस वाले कॉलम में।
उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाला जो कॉलम है कंट्री, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो कंट्री है वो है इंडिया, तो मैं इंडिया को यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। आपका जो भी कंट्री हो, इंडिया हो या नेपाल हो या कोई भी, अगर आपका कंट्री इंडिया से अदर है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगला जो कॉलम है वो है फॉरेन टिन का। ये जो फॉरेन टिन है इसको पैन नंबर बोलते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, और पैन नंबर फिल करने के बाद ये जो लास्ट वाला कॉलम है USITIN, इसको आपको खाली छोड़ना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों पैन नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है आपका एड्रेस, तो जो आपने एडसेंस अकाउंट में अपना एड्रेस फिल किया हुआ है वो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। सबसे पहली लाइन में एड्रेस डालना है, दूसरी लाइन को खाली छोड़ना है, तीसरी लाइन में आपको सिटी का नाम डालना है यानी अपने जिले का नाम, चौथी लाइन में पिन कोड डालना है, उसके बाद आपको स्टेट डालना है यानी आप कौन से राज्य में रहते हैं, और ये डालने के बाद यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है। ठीक है, इसको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से अपनी इसमें डिटेल डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है इसी पेज पे, इसके ऊपर इसको भी आपको ऐसे टिक करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देनी है। तो दोस्तों मैंने डिटेल डाल दी, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप एक टैक्स ट्रेटी हो या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्री डाल देना है आप कौन से कंट्री से हो। तो यहाँ पर मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपको इसको नीचे को स्क्रॉल करना है और नीचे को स्क्रॉल करते हुए आपको ये भरने पड़ेंगे जो तीन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, सर्विसेज का, मोशन पिक्चर का और अदर कॉपीराइट का। तो सबसे पहले सर्विस को मैं क्लिक कर देता हूँ, आर्टिकल पे क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरे वाले आर्टिकल 7 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके सामने विद होल्डिंग रेट पर क्लिक करना है और यहाँ 0% पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करना है, मोशन पिक्चर को टिक करना है, आर्टिकल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 पे क्लिक करना है। उसके सामने विद होल्डिंग रेट पे क्लिक करना है, 15% पे आपको क्लिक करना है, फिर नीचे को स्क्रॉल करना है, इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद अदर कॉपीराइट पे आपको टिक करना है, आर्टिकल पे क्लिक करना है, आर्टिकल 12 पे क्लिक करना है, उसके सामने विद होल्डिंग रेट पे क्लिक करना है, 15% पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इसको भी टिक कर देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहां पर कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, और यहां पर आपको इसको टिक करना है, आई कंफर्म डेट आई हैव को। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे को स्क्रॉल करना है और अपना नाम यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर नाम डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वही नाम डालना है जो आपका एडसेंस अकाउंट में है। यहाँ पर स्पेलिंग भी आपको मैच कर लेनी है अपने एडसेंस अकाउंट के नाम से। उसके बाद नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म इन US, इसको आपको नो कर देना है और इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एक्सिस्टिंग पेमेंट, यानी अगर आपका पहले भी पेमेंट आ चुका है तो आप इसको यहाँ पर नो करेंगे, अदरवाइज अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप पहले वाले को यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि हमारा पहले भी इससे पेमेंट आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक
सेकंड वाले को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर टिक करूँगा और यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। सबमिट पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, और यहाँ पर दिखाया जाएगा आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो गया है और ये अप्रूव भी हो गया है। यहाँ पर आपका नाम एड्रेस दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।